उनके पापा फिलहाल यहाँ पे खड़ा होकर रो रहे हैं, हमारे साथ बात करने की स्थिति में नहीं है। शादाब के पापा रो रहे हैं और नदी की ओर देख रहे हैं कि बेटा कहाँ हो, आ जाओ। आप अगर यहाँ रहते तो आप का दिल भी जो है पसीज जाता, आपको भी रोना आ जाता, आप भी रोने लगते। कल से जो है रात भर यहीं गुजार दिया इन्होंने कि शायद बेटा वापस आ जाए, शायद बेटा वापस आ जाए, और बस जो है इसी उम्मीद के साथ उम्मीद लगाए हुए हैं, दुआ कर रहे हैं कि बेटा शायद वापस आ जाए। एक लड़का 15 दिन पहले मुझसे कहता है कि भाई साहब, हम किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करते हैं, किसी से ज़ोर ज़बरदस्ती पैसे नहीं लेते हैं, नाव में इस पार उस पार करवाते हैं, अगर किसी के पास नहीं है तो हम उससे ज़बरदस्ती पैसे नहीं वसूलते हैं, और उसकी मर्ज़ी जितना देने का होता है वे देता है, हम किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करते हैं। आज वो लड़का हमारे बीच में नहीं है, मैंने आपको दिखाया था वो इंटरव्यू, वो नाविक था और उन्होंने मुझसे कहा था, उस टाइम मैं नदी के उस पार था और उनसे बातचीत कर रहा था, उनसे जानने की कोशिश कर रहा था कि क्या मसला है, यहाँ के लोग जो है कितने परेशान हैं, साथ ही साथ नाविक को कितनी परेशानी होती है। तो उन्होंने बताया था कि सरकार अगर हमें पैसे दे देती है, खर्च दे देती है, तो हम आम आदमी से पैसे नहीं वसूलेंगे, फिर भी आम आदमी की जितनी मर्जी होती है वह उतना पैसा देते हैं। देखिए कितनी परेशानी के साथ लोगों को जो है उतारना पड़ रहा है, आप बताइए, आप नाव चलाते हैं भाई साहब? जी देखिए, हम लोग 5 आदमी एक नाव में कर रहे हैं, ठीक है? हम ये नहीं कह रहे हैं, हाँ। आपको हम दोष नहीं दे रहे हैं, हाँ। हम आपसे बस जानना चाह रहे हैं, हाँ। कि कैसे कैसे क्या कर। सुनिए, पब्लिक को हम ये कहते हैं कि हम लोग 5 आदमी मेहनत करते हैं, ठीक है? 5 आदमी हम लोग मेहनत करते हैं, आप लोग का दिल में जो है आप लोग दे दीजिए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। अगर हमारे नाव में 20 आदमी पार होता है तो 10 आदमी पैसा देता है, 5 रुपया, 6 रुपया, 10 रुपया, जिसको जैसे होता है दे देता है, ठीक है? ये शुरू से हमारा नाव जो है कि बिलाल का नाम से है। अच्छा अच्छा, ठीक। तो और हम मतलब कोई भी व्यक्ति चल रहा है, किसी से पूछ लीजिए कि अगर हम किसी से जबरदस्ती पैसा ले रहे हैं तो हम पे कंप्लेन कीजिए। नहीं नहीं, आप पे कंप्लेन नहीं, हम जानना चाह रहे हैं। अब आप भी करें, फ्री में क्यों कीजिएगा? हाँ, स्थानीय लोग मांग कर रहे हैं कि सरकार, स्थानीय लोग मांग कर रहे हैं कि ये पैसा जो हम लोग देते हैं, ये इसको सरकार को चाहिए कि स्टाफ रख के नाव चलवाए, ऐसा कहना है गाँव वाले, है ना? हाँ जी, आप भी इस बात से मुत्तफिक रखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमको वो पैसा दे, हम चलाएंगे ना। अच्छा, अगर आपको सरकार पैसा दे तो आप चलाएंगे ना? जी। अच्छा, देखिए ये भाई साहब भी वही कह रहे हैं कि निजी कोई स्वार्थ नहीं है, मेहनत करेंगे तो पैसा कोई भी। जैसे हम मिस्त्री हैं, हम काम करने जाएंगे, 500 रुपया दिहाड़ी कमाएंगे, ठीक है? अच्छा, अगर हमको वो सरकार ही दे देगा, 5 आदमी 2500 रुपया दिन दे देगा, तो हम पब्लिक से क्यों पैसा ले? नमस्कार, मैं हूँ अफरोज मासूम और आप देख रहे हैं सच्ची बात मीडिया। फिलहाल इस वक्त मैं हूँ उदा हाट में। उदा हाट का पुल जो पिछले 20 दिन पहले टूट गया था, जिसके बाद ये पुल पूरे चर्चा में आया था, पूरे नेशनल लेवल का न्यूज़ बना था, वही ये जगह है जहाँ पे फिलहाल कल यानी 24 से 30 घंटा होने जा रहा है। 30 घंटा पहले नाव से कोई आदमी गिर जाता है, जिसके बाद वो उनकी मृत्यु हो जाती है, वह पानी में बह जाता है। लेकिन अब तक ना कोई NDRF की टीम है, ना प्रशासन के लोग हैं, ना खोजने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल जो है स्थानीय लोग बता रहे हैं कि कल यानी कि जिस दिन ये घटना घटी, उस दिन स्थानीय विधायक और पूर्व सांसद यहाँ पे पहुँचे थे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि जल्द से जल्द NDRF की टीम को लाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं, लेकिन 30 घंटा हो गए घटना के, अब तक जो है यहाँ पे कोई भी नहीं पहुँची है, कोई भी टीम नहीं पहुँची है, लाश नहीं मिली है। लाश की तलाश में लोग जो है जुटे हुए हैं, पूरा प्रयास किया जा रहा है स्थानीय लोगों के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा, कि कहीं ना कहीं मिल जाए। लेकिन पानी का जो तेज़ रफ्तार है, आप देख सकते हैं कि किस हाल में जो है लाश को मिलने की क्या संभावनाएँ हैं आम आदमी के द्वारा। इसीलिए तो NDRF की टीम होती है। हम सुने थे कि अगर कहीं पे किसी तरह की जो है घटना घट जाती है, जहाँ पे आम आदमी के बस की बात नहीं है, वहाँ पे NDRF की टीम आती है, उसको बचाया जाता है, उनकी खोजबीन की जाती है, क्योंकि उनको ट्रेनिंग दे करके ट्रेंड करके रखती है सरकार, जिसके बाद ऐसे मौके में इमीडिएटली जो है उस पर काम किया जाता है।
लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है कि बिहार में विकास की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। अब आपकी सरकार है 15 साल से, आप तो कह रहे हैं कि गंगा बहा दिए हैं, विकास की गंगा बहा दिए हैं। आप ऐसा गंगा बहा दिए हैं कि इस गंगा में अगर कोई गिर जाए तो उसकी लाश तक मिलने की कोई संभावना नहीं है। फिलहाल हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो लड़का इंतकाल कर गया है, जिनकी मृत्यु हो गई है, उनके रिश्तेदार हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि किस परेशानी में है, क्या दिक्कत है, कैसे क्या हुआ था, सारी बातें उनसे जानिए। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जिस लड़के की मैं बात कर रहा हूं, वो आपको मैं वीडियो में दिखा रहा हूं, शायद किसी भी इंटरव्यू का लास्ट इंटरव्यू रहा होगा। आनंदी प्रसाद यादव का मेरे साथ लास्ट इंटरव्यू था, इसी तरह से उस लड़के का भी मेरे साथ लास्ट इंटरव्यू था, उन्होंने अपना ओपिनियन रखा था। अब दिल कांप उठता है कि कई लोग गुजरेंगे, पता नहीं कब लोग कब किसकी मौत हो जाए। लेकिन सब सवाल तो सरकार पे है, सरकार के लोगों से है, स्थानीय जनप्रतिनिधि से। 30 घंटा पहले किसी को नाव से गिरता है, जिनकी मृत्यु हो जाती है, और लाश तक लाश के लिए बिलख रहे हैं, लाश के इंतज़ार में रिश्तेदार बैठे हैं, स्थानीय लोग बैठे हैं, लेकिन लाश नहीं मिल रही है, ना लाश मिलने की कोई संभावना दिख रही है। मेरा पोता है, उनका लड़का है, ये छोटा बच्चा है, वो जो इंतकाल कर गए हैं भाई साहब, हाँ ये उनके ससुर हैं, और देखिए और ये बच्चा है, छोटा छोटा बच्चा है। अब क्या होगा उसका, कैसे अपना जो है उनका परिवार चलेगा, आप समझ सकते हैं। इसी तरह से आक्रोश में है यहाँ के लोग। 9-10 बजे करीब में विधायक जाए आगे जगह बैठ गए उधर चौक पर, वहाँ जाके हम कहे कि विधायक जी क्या कर रहे हैं आप, ये 9 घंटा 7 घंटा होने जा रहा है, अभी तक कोई पता नहीं लाश का, नहीं कोई आपका कर्मचारी आ रहा है, ना कोई आपका मदद आ रहा है, यहाँ क्या कर रहे हैं आप। तो जब हम तो फोन कर रहे हैं, फोने करेंगे ना, और क्या करेंगे, फ़ोन करते हैं नहीं आ रहा है, कि जब नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिए विधायक पद को अपना, जब आपसे ये काम नहीं हो रहा है तो कहाँ इस काम में बैठे हुए हैं, आप छोड़ दीजिए, फिर जैसे हम जाने अपना समझ लेंगे। इतना कह के वो अपना कहाँ जाना था वो चले गया। 1 बजे आता है यहाँ से सीओ साहब, इसी जगह के खड़ा हुआ सीओ साहब, वो भी यही कह रहा है कि हम तो कोशिश कर रहे हैं, ये टीम अररिया में नहीं है, पूर्णिया जिला में टीम है, पूर्णिया जिला से आएगा कि नहीं आएगा, क्या होगा नहीं होगा कुछ नहीं। 2 लड़का उसके साथ में आया है, इस जगह डूबा, गुसल करके वो कपड़ा बदल के चेंज करके चले गया। उसका आगे जाके हमने उसे रिक्वेस्ट किया, हाथ जोड़ा कि सीओ साहब आप NDRF का टीम को मंगवाइए, उसका पैर हाथ पहुँच गया, जैसे होगा उससे काम हम करेंगे और हम लोग मिलकर करेंगे। लेकिन अब तक ना कोई NDRF का टीम आया, ना कोई गोताखोर आया, ना हमें कोई सहायता, ना कोई हमें मदद मिला, ना कोई प्रशासन का आदमी अभी तक आया। यहाँ तक कि आवेदन लिख के मैंने कल थाना 7 बजे गया, बड़ा बहू के सामने इस कागज़ को हमने पेश किया, बड़ा बहू कागज ऐसे इनकार कर दिया कि नहीं ये मेरा क्षेत्र में नहीं पड़ता, ये महल का क्षेत्र में पड़ता है। हम कहा भाई ये मेरा घर मटियारी पड़ता है, आपका थाना में पड़ता है, नदी के इस पार मटियारी है, नदी के उस पार उदा है, आप इस केस को ले लीजिए, महलगा आपके अंडर में है, आप महलगा अंडर में नहीं है। लेकिन एक भी नहीं सुना, अभी पूर्व सरपंच मौजूद साथ में था हमारा, उस पर भी वो अब तक हमारा आवेदन को नहीं लिया। कि भी गए जोकी, गए जोकी वाला नहीं लिया, बोला महलगा लेगा। उनके पापा फिलहाल यहाँ पे खड़ा होकर रो रहे हैं, हमारे साथ बात करने की स्थिति में नहीं है। शादाब के पापा रो रहे हैं और नदी की ओर देख रहे हैं कि बेटा कहाँ हो, आ जाओ। आप अगर यहाँ रहते तो आप का दिल भी जो है पसीज जाता, आपको भी रोना आ जाता, आप भी रोने लगते। देखिए बाप जो है उनके इसी इंतज़ार में है कि बेटा कहीं, कल से जो है रात भर यहीं गुजार दिया इन्होंने कि शायद बेटा वापस आ जाए, शायद बेटा वापस आ जाए, और बस जो है इसी उम्मीद के साथ उम्मीद लगाए हुए हैं, दुआ कर रहे हैं कि बेटा शायद वापस आ जाए। अब आप इस मंजर को जो है आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि किस तरह से, कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि किस हाल में हैं उनके परिजन, के रिश्तेदार, उनके सास ससुर, उनके माता पिता किस हाल में हैं। अब वो हमारे साथ फ़िलहाल बात करने की स्थिति में नहीं है, हम बात करना भी नहीं चाहेंगे, आप खुद समझ रहे हैं। तो 24 घंटा हो गया, अभी तक कोई NDRF की टीम नहीं आया यहाँ, हम लोग ऐसे ही ढूंढ रहे हैं, कल ये से परेशान है, कल ये से हम लोग परेशान से ढूंढ रहे हैं, वहीं से वहाँ से वहाँ तक गया, कुर्सेल तक कहीं नहीं मिला। NDRF की टीम विधायक जी बोला था कि 10-15 मिनट रुकिए, पूर्णिया से निकल गया है, आने वाला है, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया, 24 घंटा हो गया, कोई प्रशासन कोई भी नहीं आया यहाँ।
जिस मदद करे पब्लिक लोग लद्दी में पार करे वो बच्चा डूबी गई जवान बच्चा दी बेटा छी वो बच्चा खत्म भै गई अभी तलाक से क्या 6 बजे से अखन तलाक कोई मदद नहीं कह रहे से नहीं कोई चीज कोई कानून से नहीं अलो से जाल लगेलो से नहीं कोई अलो से ये लगे दूरबीन लगे देखे ली मुर्दार नहीं पाओ बाबा सबको मुर्दार बनलो सब परिवार खानदान बाबा पागल बने बाबा मदद करो बाबा मुर्दार पे नहीं करे बाबा ए बाबा एरा मदद करो बाबा ए बाबा सब एको एकदम बुकलो प्यास लो लोटे छि नदी के नाम में। फिलहाल देखिए किस तरह से जो है यहाँ के स्थानीय लोग जाम किए हुए हैं रास्ता को, काफ़ी गुस्सा है इनमें और अगुवाई कर रहे हैं। आइए भैया इधर आइए बताइए। मेरा नाम मेराज आलम है जी, और मैं उसका खास सगा बड़ा भाई हूँ, खास वो मेरा चचा का लड़का है, उसका नाम मोहम्मद सबाब आलम है। अच्छा। और ऐसे मिंटू नाम से वो जाना जाता था, लेकिन दुख क्या बताए आपको, तकलीफ कितना है दिल के अंदर वो तो हम लोग ही समझ सकते हैं इस चीज़ को। कल सुबह 6 बजे का घटना है, अभी तक देखिए 12 बजने पर जा रहा है टाइम, जबकि कल यहाँ विधायक जी भी आया था, मौजूदा टाइम का जो विधायक है और पूर्व एमपी जो है वो भी आए दोनों लोग, लेकिन अभी तक कुछ भी कोई भी प्रशासन या कोई भी स्थलीय सेवा यहाँ का कोई भी अभी तक नहीं प्रतिक्रिया किया गया है किसी भी तरह का। हम लोग यहाँ का अपना जो निजी परिवार फैमिली से जो भी आदमी है गाँव समाज से वो लोग खुद प्रयास कर रहे हैं कल से ही, जिस तरह भी हो जैसे भी हो हम लोग अपना तरफ से कोई भी कोशिश करना बाकी नहीं छोड़े हैं, लेकिन हम लोगों से ये संभव नहीं हो रहा है क्योंकि पानी की तेज़ बहाव इतनी तेज़ है, नदी में हद से ज़्यादा पानी है। अब इंतज़ार करते रहिए, आश्वासन लेते रहिए, वोट करते रहिए, विधानसभा चुनाव है, कोई इसको देंगे कोई उसको देंगे, आप फेसबुक पे व्हाट्सएप पे अपने अपने पक्ष वालों की बात रखते रहिए, अपने अपने जो आका हैं पटना में दिल्ली में बैठे हुए आका है उनके पक्ष में आप जो है वोट करते रहिए, उनके पक्ष में बोलते रहिए, आईटी सेल संभालते रहिए, बाकी जो हाल है जो दुर्दशा है जो स्थिति है वो आपको हम दिखा ही रहे हैं।